हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है मैक और वाई में मैं आप सभी का स्वागत है। चश्मा पहनाओ क्योंकि सोचा कि वीडियो थोड़ा अलग तरीके से बनाओ, तो कुछ चेंजेस लाना था, तो फुटेज भी चाहिए था, तो सोचा चश्मा पहन के ही बना लेता हूँ। तो आप मेरे कैमरे को भी देख सकते हैं यहाँ से, चश्मे से। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में, यति के बारे में बात करेंगे, बिग फुट के बारे में बात करेंगे। यति क्या होता है, बिग फुट क्या होता है, और कनाडा में ये चीज को, ये जानवर को सास्क्वॉच भी कहते हैं। बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा, क्या यति होता है, क्या ये एग्जिस्ट करते हैं। यति तो हिमालय में होते हैं, बिग फुट मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्री में होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां पर बिग फुट का साइटिंग बहुत लोगों को देखने मिला है। पर क्या इसका कोई एविडेंस है? एविडेंस है तो वीडियोग्राफी में एविडेंस है, पर यति को आज तक किसी ने पकड़ा नहीं है, बिग फुट को आज तक किसी ने पकड़ा नहीं है। और जो बिग फुट होते हैं कनाडा में भी होते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यति, बिग फुट ये क्या है। बिग फुट एक बेसिकली एक 7 फुट, 6 से 7 फुट लंबा, एक इंसान जैसा दिखने वाला बंदर है, या फिर मतलब उसके 2 हाथ है, 2 पैर है, वो मंकी के जैसा चलता नहीं है, वो इंसानों के जैसा चलता है, इंसानों के जैसा काम करता है। और उसका जो बॉडी है बहुत चौड़ा है, उसका शोल्डर ही बहुत छोटा है, और वो एक ऐसा जानवर है जो इंसान को रेप्लिकेट करता है। और ऐसे बहुत सारी कहानियाँ है कि एक इंसान फॉरेस्ट में चल रहे थे, और वो जब डायरेक्शन ढूंढ रहे थे और उसके सामने बिग फुट आ गया। बिग फुट कभी भी अपने आप को एक्सपोज नहीं करता है, पर वो कभी कभी एक्सपोज हो जाते हैं कोई इंसान लोग के सामने। बात ये हो गया था वो इंसान के साथ, ये एक फॉरेस्ट के अंदर ऐसे ही कुछ हाइकिंग करने गया था, कुछ ट्रैकिंग करने गया था, तो उनके सामने जब वो डायरेक्शन ढूंढ रहे थे उसके कंपस बॉक्स से, तो उनके सामने ही एक बिग फुट उनको देख रहा था, और उन लोग आई कांटेक्ट बना रहे थे। और ये आदमी इतना डर चुका था कि अरे यार, मुझे बिग फुट ने देख लिया, अब मैं क्या करूँ। और वो एब्जॉर्ब करने का कोशिश कर रहा था कि मैंने देखा तो मैंने क्या देखा, और वो बिग फुट भी उसको ऊपर से देख रहा था नीचे। तो ये डर से इसने ऐसा मुंडी घुमाया बोलता है, और बिग फुट ने भी ऐसा मुंडी घुमाया, और बिग फुट डरा नहीं उनसे। आई गेस वो बिग फुट इतना एग्रेसिव हो गया था कि बिग फुट को वो इंसान मारना चाहता था, तो इसके पास गन भी था, तो ये आदमी ने गन उठा के उसको दिखाया, तभी वहां से बिग फुट भागा। पर ड्यू टू क्यूरियोसिटी ये आदमी बिग फुट को ढूंढने के लिए निकला, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बिग फुट के बदन से एक गंध आता है। इसके बारे में मैं आपको आऊंगा, बताऊंगा आगे क्या हो गया था। तो आदमी गन उठा के भागा उसके पीछे देखने के लिए है क्या, बट बिग फुट जब झाड़ में छुपता है तो कैमोफ्लेज हो जाता है, आप उसको देख नहीं सकते हैं। तो वो आदमी को पता चल गया था कि बिग फुट मुझे देख रहा है पर मैं उसे देख नहीं सकता, तो आदमी उधर से भागा। और बिग फुट का एक आदत है कि वो बड़े बड़े पेड़ में ऐसे मारता है टंग टंग करके, तो वो साइन होता है एक गुस्से का, या फिर साइन होता है कि मेरा ये टेरिटरी है, तुम इसके अंदर घुस चुके हो, अब मैं तुम्हारा अच्छे से बचाने वाला हूँ, तो बचने के लिए तैयार रहना। तो ये आदमी स्पीड से भागता है, तो सामने डियर दिखता है वो आदमी, और डियर जब रुकता है वहां पर ये आदमी के सामने, तो डियर स्टार्ट स्मेलिंग समथिंग एल्स। ये जो गंध होता है बिग फुट का, एक पिक्यूलर स्मेल होता है, बहुत गंदा स्मेल होता है, वो सिर्फ बिग फुट के बदन से ही आता है। तो आदमी को समझ गया था कि ये बिग फुट उसके पीछे ही है, और ये आदमी स्पीड भागने लगा और बिग फुट भी उसके पीछे भागने लगा। तो ये ऐसी साइटिंग बहुत जगह में हुई है, अगर आप यूट्यूब करके देखें तो बिग फुट, आपको बिग फुट के बारे में बहुत लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनाया है, आपको दिख जाएगा। और हिमालय का जो पर्वत है, कहते हैं कि वो 50% अनएक्सप्लोर्ड है, वहाँ पर यति रहता है, यति को बोला जाता है ये हिमालय का रक्षक है। क्या ये सब चीज़ एग्जिस्ट करता है? बहुत लोग बोले कि नहीं, ये सब चीज़ एग्जिस्ट नहीं होता है। पर अगर आप मेरा मानो तो ऐसी बहुत सारी अनसुलझी हुई चीज़ें हैं जो इस दुनिया में है, जो हमने आज तक एक्सप्लोर किया नहीं है, और बहुत ही यूनिक से चीज़ें भी है। और अगर आप मुझे पूछो तो यति होता है, बिग फुट होता है, तो मैं कहूँगा ज़रूर होते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें देखे नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें है नहीं है। हमने क्यों नहीं देखा ये सब चीज़ों, क्योंकि एक सिविलाइजेशन के बाद ये सब चीज़ चालू होता है, वहाँ पर कोई रहता नहीं है।
तो ये सब चीज़ वहाँ पर होता है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में कुछ तो हुआ था, कोई माउंटेन में मिलिट्री को बिग फुट का पैर का निशान मिला था। उसका निशान पैर का इतना बड़ा कुछ पैर था उसका, उसे भी आप गूगल करके देख सकते हो। उन लोग ऊपर जा रहे थे तो जब चढ़ते समय उनको बिग फुट का पैर का निशान मिला। और ये सब चीज़ होते हैं, इससे भी अलग अलग चीज़ें, इससे भी भयानक चीज़ें होती है। तो हम सब चीज़ को डिनाई कर नहीं सकते कि ये सब चीज़ नहीं होता है, बिग फुट नहीं होता है, सी ड्रैगन्स नहीं होते हैं, कोई कहता है मॉमेट्स नहीं होता है। दुनिया में जो बोलो वो सब कुछ होता है, बस बात ये कि हमें मानना है या नहीं मानना है। अगर हम बोले बिग फुट नहीं है तो वो इंसान के लिए बिग फुट नहीं है, पर तुम्हारे नहीं बोलने से क्या होता है, बिग फुट है, अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।